क्या प्रश्न किया पीके ने कोर्ट से। पीके के सवाल सुनकर कोर्ट ने क्या कहा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पीके पूरे सिस्टम के खिलाफ केस कर देता है और कोर्ट उसकी इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेती है और ये बात लोगों के बीच में आग की तरह फैल जाती है। अब मैं आप लोगों को उसके आगे की कहानी बताऊंगी। क्या क्वेश्चन पूछता है पीके कोर्ट में और क्या उसे न्याय मिलेगा या नहीं, ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब वो दिन आ जाता है जब लोग पहली बार किसी एलियन की कोर्ट की सुनवाई को लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए टीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है तो जज पीके से पूछता है कि तुम्हारा इल्जाम किस पर है, तो पीके कहता है कि मेरा इल्जाम आपके सिस्टम पर है। फिल्म का विलन श्रुति के ऑपोजिट खड़ा वकील ही होता है जिसका नाम राज प्रबंधा है। वो पीके और आरके पर बिना लीगल परमिशन के रिसर्च करने के लिए आने का इल्जाम लगाता है, तो श्रुति इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि ह्यूमन भी किसी और प्लैनेट पर रिसर्च करने जाते हैं, ये बात बिना पूछे कि वहाँ कोई रहता है या नहीं, इसलिए पीके और उसके साथियों के अर्थ पर रिसर्च करने के लिए आना कोई जुर्म नहीं है। राज प्रबंधक कहता है कि आरके की मौत एक हादसा थी जो ब्रिज गिरने के कारण हुई थी और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो ब्रिज बनाया था उसको सजा भी मिल चुकी है, तो पीके क्या चाहता है। अब श्रुति कहती है कि पीके का कहना है कि जो कुछ भी आरके की मौत के बारे में उनको बताया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है, तो जज पूछता है कि सच क्या है। पीके बताता है कि आरके जिंदा है। तब जज पीके से पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि आरके जिंदा है, तो पीके कहता है जिन लोगों ने आरके को अपनी रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है और जिन्होंने ये झूठी अफवाहें फैलाई हैं कि आरके मर गया है, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे प्लैनेट में कभी कोई मर ही नहीं सकता। हमारा शरीर 100 साल के बाद खुद ही गायब हो जाता है, पर 100 साल से पहले हमारे प्लैनेट में कोई नहीं मरता। फिर जज पीके से पूछता है कि अगर तुम्हें पहले ही पता था कि पुलिस तुमको आरके की मौत के बारे में झूठ बोल रही है तो तुमने पहले ही 100 साल तक ना मरने वाली बात किसी को क्यों नहीं बताई, तो पीके कहता है कि मैं आपके प्लैनेट के लोगों से कुछ पूछना चाहता था और उसके लिए मुझे एक मंच की जरूरत थी और जब सबने मुझे कहा कि अगर कुछ कहना चाहते हो तो कोर्ट में अपील करो, इसलिए मैंने यही रास्ता चुना। फिर जज पीके से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो पीके कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके प्लैनेट के लोगों ने बुराई को इतना बढ़ावा क्यों दे रखा है, यहाँ हर कोई हर किसी का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए क्यों कर रहा है, चोरी डाका मर्डर किडनैप रेप ये सब इस प्लेनेट पर क्यों हो रहे हैं, क्यों लोगों के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है, क्यों बुरे कामों को रोकने का इस प्लेनेट में एक ही तरीका है कि बुरे लोगों को सजा दी जाए। पीके कहता है कि हर पब्लिक प्लेस पर लिखा होता है कि चोरों और जेब कतरों से सावधान रहें, जबकि हमको चोरी करने वाले इंसानों को कहना चाहिए कि कृपया किसी की मेहनत की कमाई को ना चुराएं। सिस्टम को चाहिए कि बुराई को रोकने के लिए बुरे काम के नतीजों का डर इंसानों में पैदा ना करे, बल्कि अच्छे कामों से मिलने वाली खुशी का एहसास उन्हें करवाएं। सिस्टम को लोगों को सजा देकर मुजरिम बनाने की जगह पर उनको जेंटलमैन बनाना चाहिए। जैसे हर इंसान के अंदर शैतान होता है, वैसे ही हर इंसान के अंदर भगवान भी होता है। हमें सिर्फ उस भगवान को जगाना है जो सिर्फ अच्छे काम करता है, तभी जाकर इस प्लेनेट पर इंसान दूसरे इंसान के दर्द को समझेगा और कोई भी जुर्म नहीं करेगा। अब कोर्ट पीके की बातों को सुनकर ये फैसला लेती है कि आरके की खो जाने की इंक्वायरी की जाए और जब तक आरके नहीं मिलता तब तक के लिए अदालत स्थगित की जाती है। अब इसके आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बता दिया तो मजा नहीं आएगा और जो मजा इंतजार करने में है वो जल्दी जल्दी में कहा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर।